जहाज में हम लोग पासवर्ड कलेक्ट कर रहे होते हैं। स्पेशल शायद यह है इसके अंदर बहुत गर्म गर्म सही है और ये भी चले खोल के देखते हैं क्या दिया है उन्होंने। यार ये परहेजी खाना है ये तो। चलो अच्छा ये सेवैयाँ डाल दिए थोड़ी सी ऊपर से और बाकी अरब की कोई है बिरयानी बराबर इसके साथ फिर बाकी खोल के देख लेते हैं। कमाल का होता है यकीन करें बहुत ही कमाल लगता है दुनिया भर की इस चाय को बहुत मज़ा आता है। जहाज में हम लोग पासवर्ड कलेक्ट कर रहे होते हैं ताकि हमारा आगे का प्रोसीजर वो आसानी तरीके से हो टाइम बचे हमारा तो कलेक्शन हो रही है। अब जा रहा हूँ दूसरी जगह और जाएंगे उसका पासवर्ड लेने के लिए। अच्छा होता क्या जब हम लोग जहाज़ में सब ज़ायनियों से पासपोर्ट कलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद उनको ना तरतीब वाइज एक सिक्वेंस बनाते हैं ताकि हमारा टाइम बचे इमिग्रेशन के टाइम जब हम इराक में पहुँचे। एक लिस्ट तो हमने तैयार कर ली है जो कि ए साइड की है, बी की अभी बना रहे हैं, सी है और डी है। इस तरह से करके चार हमारी लिस्ट हैं जो कि हम लोग को टाइम बचाती है और ये प्रोसीजर जो होता है ना वो ज़्यादा शॉर्ट हम लोग करने की करते हैं ताकि ये प्रोसीजर वहाँ पर लेती ना पड़े। तो ये एक तरीका होता है जिस तरह से हमें करना होता है और इसमें ज़्यादा अच्छा होता है सिक्वेंस वाइज ए जिस तरह से बी टेन है ये नंबर्स हम देखते हैं ताकि हमें याद रहे बी टेन बी नाइन बी एट या बी वन बी टू करके इस तरह से अलग अलग नंबर्स होते हैं। फाइनली हमारा काम जो है वो पूरा हुआ, ये हमारे वीज़े की लिस्ट है और ये हमारे पासपोर्ट जो कि हमने तरतीब से इसमें तैयार कर लिए। बस अब कुछ ही देर के बाद हम लोग नजफ़ अशरफ पहुँचेंगे। इस तरह से बैंडिंग करके एक प्रॉपर चैनल बनाकर और इसमें वीज़ा नंबर वगैरह सारा हाईलाइट करके बस टाइम हम अपना बचाएंगे और उसके बाद हम इंशाल्लाह ताला पहुँचने के बाद फिर आगे का जो हमारा मामला होंगे वो ये हमारे वीज़ा अपने पासपोर्ट तरतीब से एक एक जो है कॉलम जाहिर बनाकर आराम से इसमें बैग में रख दूँगा ताकि मैं फिर उसको इस्तेमाल करूँगा इराक करवा नजफ़ के एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन में और इसी तरह आगे के भी प्रोसेस रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहुँच चुका हूँ इस वक्त नजफ़ अशरफ में और पीछे मेरे जो ज़ायरीन जो मेरे साथ आए हैं वो उतर रहे हैं और कुछ और भी ट्रैवलर हैं जो इस पर नजफ़ की तैयारियों के लिए आए। नजफ़ अशरफ में जब उतरते हैं आप एयरपोर्ट पे तो पीछे आपको बसेस ही जाती हैं क्योंकि डायरेक्टली एयरपोर्ट पे नहीं लगता जहाज और इनका एयरपोर्ट जो साइज में बहुत छोटा है तो उसकी वजह से इन लोगों जो सर्विस में देते हैं वो हमेशा इसी तरह बस आप लोगों को देते हैं और फिर आपको ये बस जो है वो लेके जाती है सीधा एयरपोर्ट के अंदर। तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि किस तरह से लोग उतर रहे हैं और उसके बाद बस में कैसे बात करूँ। अच्छा भाई हमारे साथ बेहतरीन ज़ाहिर है
और ये वहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं, मुझे कह रहे थे कि जवाहर भाई मेरी वीडियो बना के ना मेरे खानदान में दिखाएगा। मेहरबानी, सही मेहरबानी। बहुत अच्छे ज़ाहरा मास्टर जाते ही, बहुत शुक्रिया।